Hi, good morning. Good morning, boys, girls. Yes, my loving children. कैसे हो बेटा? अच्छे हो ना सब लोग? All well, happy. अच्छे हो ना? मजे में? And health अच्छी है ना? अभी तो restaurants भी चालू हो गए, pizzas चालू हो गए, सब कुछ तो बाहर food खाना चालू हो गया ना. अभी मैंने कल ही देखा था, वो क्या नाम है उसका, मैं भूल गया, वो थोड़ा मोटू सा है ना वो. अरे यार, हाँ, पकौड़े की लारी भी देखा था मैंने. गोलगप्पे खा रहा था, गपा गप गपा. मेरे को दिखा, बोले सर आओ खाने. और मैं जैसे गया ना, तो मेरे को बोला, बोले सर एक डिश ले लो, आप ले लो. मैंने ठीक है. जैसे मैंने पकौड़ी खाना स्टार्ट किया, मेरी डिश में से भी वो लेके खा गया. अपने अपने फोर्थ का ही था वो, रोज में पड़ता है ना. यस, डिवीजन रोज था यार, मैं उसका नाम भूल गया अभी. वो अपने पापा के साथ था, तो उसके पापा मेरे को इशारा करके बता रहे थे, बोले सर देखना, ये इसने आपको इनवाइट तो किया लेकिन आपको खाने नहीं देगा. यार शिट, उसका नाम क्या है? चलो अच्छा, अभी आओगे ना स्कूल में तो मैं बताऊंगा उसका नाम. ओके बेटा, तो खाओ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना, मोटू मत हो जाना, और वीडियो सारे देखना, ठीक है? नाउ अगेन गुड मॉर्निंग. ठीक है बेटा, तो चलो आज हम लोग, लेट अस स्टार्ट अवर रिमेनिंग टॉपिक. ओके, एंड अवर रिमेनिंग टॉपिक इज पोस्ट ऑफिस. आपने पोस्ट ऑफिस देखा है? हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस? आप कभी पोस्ट ऑफिस भी गए हो? नहीं? अरे ऑब्वियसली गए होंगे ना. मैं तो गया हूँ, मैं तो यहाँ पे यस लिखूंगा. मम्मी पापा से पूछ के आप बोल, मम्मी मुझे कभी पोस्ट ऑफिस लेके गए? आप पूछ लेना, या फिर किसी दादा दादी नाना नानी के साथ, किसी के साथ गए होंगे. मैं तो गया हूँ, इसलिए मैंने यस लिख दिया. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू पीपल गो देयर फॉर? वहाँ पे सब लोग क्या करते हैं? कहाँ पर? बोलो बोलो. क्या क्या होता है बेटा? तो एक तो क्या करते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर, ये आपको पूरा नोटबुक में लिखना है. हाँ, इसका तो टू पोस्ट द लेटर है ना, पोस्ट करते हैं ना लेटर को, क्या करने जाते हैं वहाँ पे, टू पोस्ट लेटर्स. फिर और क्या करते बताओ? सेंड मनी ऑर्डर्स, टू सेंड, यहाँ पे मैं टू लिखना भूल गया, टू सेंड मनी ऑर्डर्स. ओके, और क्या करते बताओ? फिर फॉर बैंकिंग, बैंकिंग के लिए भी तो जाते हैं ना, वहाँ पे अकाउंट खुलवाते हैं ना, याद है आपको, पोस्ट के अंदर भी अकाउंट खुलता है, तो उसको बोलेंगे. चलो इसका आंसर मैं आपको लिख के भेजूंगा, ठीक है? फॉर बैंकिंग एंड कुछ परचेस करने भी जाते हैं ना, क्या परचेस करने जाते हैं? तो चलो अभी खाली मैं बोल देता हूँ, बराबर, फिर मैं आपको बताऊँगा. परचेस द पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड एनवेलॉप और स्टैम्प्स, ये सब खरीद. हाँ, इनलैंड यानी पता है वो अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड बोलते हैं बेटा वो, तो ये सब खरीदने भी जाते हैं. ओके, हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट? पोस्ट कार्ड की जो प्राइस है वो कितनी है, पता है किसी को? मुझे पता है, 50 पैसा. तो उसको रुपीस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? नहीं, रुपीस में लिखना हो तो 0.50 रुपीस ऐसे लिखेंगे, और पैसे में लिखना हो तो 50 पैसा. ओके, 50 पैसा, राइट? दोनों लिख सकते हो आप, दोनों ये लिखो और करके 50 पैसा जैसे लिख रहे. हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट? इनलैंड जो लेटर है ना, उसका कॉस्ट कितना होता है बताओ? आई थिंक मैंने देखा है, पूछा है था, 2 रुपीज़ और 50 पैसा होता है, तो 2.50 रुपीज़. ओके, यानी 2 रुपये 50 पैसे में आता है. अंतर्देशीय कार्ड बोलते हैं बेटा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. नाउ एक देखो, रेट्स या पोस्टल रेट्स, या ये एक कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपको लिख के भेजूंगी, क्योंकि थियरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन है ना, इसीलिए. ओके, सी बेटा, पोस्टल यानी आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो ऐसे चार्ट्स बना होता है, ऐसे बैनर्स लगे होते हैं. पोस्टल है यानी सिंगल पोस्ट कार्ड लेना है, तो उसके देखो पोस्टल रेट्स इन रुपीस, तो उसका 50 पैसा यानी कि हाफ रुपीस में आएगा. प्रिंटेड पोस्ट कार्ड लेना हो, प्रिंटेड यानी प्रिंट उसके अंदर छपा हुई, मतलब नेम्स और ये, फिर मतलब टिकट भी उसके अंदर प्रिंट होती है ना वो, तो उसका 6 रुपीस है. इनलैंड लेटर, इनलैंड लेटर जो अभी हमने बात की ना, इनलैंड लेटर, तो 2 रुपीज़ 50 पैसा लिखा है ना, इन रुपीस, 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा. लेटर वेइंग, लेटर वेइंग यानी बेटा, यानी कोई लेटर हो आपको पोस्ट करना हो तो उसका भी कुछ रेट लगता है, यू नो. ये या बेटा, तो यस यस यू नो ना, 20 ग्राम्स और लेस, यानी लेटर वेइंग यानी आपको कोई लेटर देना है, यानी उसका जो वेट होता है बेटा, तो वेट के हिसाब से वो चार्ज करता है, कौन? पोस्ट ऑफिस, ठीक है? पोस्ट, हाँ सिंपल, जैसे ये पोस्ट कार्ड या फिर ये इनलैंड, उसका जो प्राइस है मानो कि 250 इनलैंड है, तो उसके अंदर आपने राइटिंग कर दिया, बराबर, आपने लिख लिया, फिर आप पोस्ट करोगे ना, तो पोस्ट, लेकिन आपको कोई कोई चीज़ जैसे कोई पार्सल जैसा हो, या फिर कोई लेटर है जिसके अंदर आपने कुछ मतलब रखा है कोई भी,
एक एनवेलप हो, एनवेलप के अंदर आपने लेटेस्ट लिख के रखा है, मानो 5 पेजेस है, 5 पेजेस, तो उसका वेट होता है ना, तो वेट के हिसाब से बेटा उसका चार्ज होता है। ओके, तो मानो 20 ग्राम्स हो या फिर उससे लेस, 20 ग्राम्स और लेस, 20 ग्राम्स तक का वेट हो ना, तो उसका 5 रुपीज चार्ज है। फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स, यानी 20 ग्राम से अप हो, ओके, यानी और जितने, मतलब मान लो कि 40 ग्राम्स, 30 ग्राम्स का आपका कवर हुआ है, कितने ग्राम्स का, 30 ग्राम्स का, तो उसमें से 20 ग्राम्स निकालो और 10 ग्राम, तो 30 हो ना, तो ये जो 30 में से जो 20 ग्राम्स है उसका 5 रुपीज़ लेगा, लेकिन और 10 ग्राम्स एडिशनल हुआ ना, तो इसका कितना रुपीज़ है, 2 रुपीज़। तो आपको 30 ग्राम्स का जो आपका लेटर है उसका टोटल कितना रुपीज़ देना पड़ेगा, 7 रुपीज़। 30 ग्राम्स है उसमें से 20 ग्राम्स का तो जो रेट है वो 5 रुपीज़ के हिसाब से होगा, और 10 ग्राम्स उसका 2 रुपीज़ के हिसाब से होगा। अब मानो कि 40 ग्राम्स का हो रहा है तो इसका भी कितना होगा, इसका भी 7 रुपीज़ ही होगा, क्योंकि 40 में जो 20 ग्राम्स है ना, 20 ग्राम्स उसका 5 रुपीज़ के हिसाब से होगा, बट दूसरा जो और 20 ग्राम्स में है उसका 2 रुपीज़ के हिसाब से होगा, 2 रुपीज़ के हिसाब से। ओके, पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? पार्सल वेइंग, पार्सल जो होता है ना, हाँ, उसका अलग चार्ज है। 50 ग्राम्स तक का, मतलब उसका वेट हो ना, तो 5 रुपीज़ होता है, और 50 से ऊपर हो लेकिन का अप टू 50 ग्राम्स, फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम्स उसका 3 रुपीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, 130 ग्राम्स का पार्सल हुआ, 130 ग्राम्स, तो 130 में से स्टार्टिंग का जो 50 ग्राम्स है उसका 5 रुपीज़, और 50 ग्राम्स का 5 रुपीज़, और बाकी 30 ग्राम्स बचा, अरे सॉरी, 3 रुपीज़ है, एवरी एडिशनल का 3 रुपीज़ है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 130 ग्राम्स के अंदर मुझे 50 ग्राम्स निकाल देंगे तो कैसे कैसे बनेगा, एक 50, अगेन 50 और 30। मैं 50-50 क्यों कराऊँ, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल बोला है, एडिशनल, यहाँ पे एडिशनल 20 बोला था, इसलिए मैंने 20-20 के हिसाब से काउंट किया, यहाँ पर एडिशनल हमको 50 बोला है, राइट? सो 50 ग्राम्स स्टार्टिंग टोटल 130 ग्राम्स है, उसमें 50 ग्राम्स तक का तो 5 रुपीज़ है। अब एडिशनल कितना हुआ, एडिशनल 80 ग्राम्स है इसके अंदर, 130 में से 50 निकाल दो उसका तो 5 रुपीज़ चार्ज है, बट एडिशनल कितना है, 50 और 30, टोटल 80, लेकिन 80 में से एक 50 का होगा 3 रुपीज़, और दूसरा भी 30 ग्राम्स है, सर उसका 3 रुपीज़ नहीं, अरे सर उसका कम नहीं होगा, 50 से कम है, नहीं उसका भी 3 रुपीज़ ही होता है, तो 533 यानी कितना हुआ, टोटल 11 रुपीज़, कितना हुआ, 11। चलो अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिकली समझ में आएगा, राइट? सी, लुक एट द पोस्टल रेट्स गिवन इन द चार्ट। ओके, देख लिया हमने, हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम्स। ओके, देखो अभी हमारा क्वेश्चन आया, एक लेटर है जो 50 ग्राम्स का है, तो उसका कितना पे करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, सी, 20 ग्राम्स तक का हो तो 5 रुपीज होता है, लेकिन ये तो 50 ग्राम्स का है, तो 50 ग्राम्स यानी 20 ग्राम्स प्लस 20 ग्राम्स देन 10 ग्राम्स। ओके, 50G, सॉरी 20G, 20G और 10G, तो इसका कितना चार्ज होगा बताओ, 20 ग्राम्स स्टार्टिंग विद 20 ग्राम्स हो तो उसका 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़। ओके, अब एडिशनल क्या है, टोटल 50 ग्राम्स बनाना है हमको, चलो इसका भी मैं आपको नोट्स बना के दूंगा, ठीक है, इसकी भी मैं आपको राइटिंग नोट्स दूंगा, पहले समझ लो। तो 5 रुपीज़ एडिशनल, एडिशनल कितना है, 30 ग्राम्स है एडिशनल, तो मैंने 20 और 10 में डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया बेटा, मैं डायरेक्ट 30 तो कैसे काउंट करूंगा, यहाँ पे तो क्या लिखा है, एडिशनल 20 ग्राम्स है ना, फॉर एवरी एडिशनल, यानी और जितना भी एडिशनल है ना उसमें 20-20 ग्राम्स के हिसाब से 2-2 रुपीज़ होगा, तो एडिशनल यहाँ पे 20 और एडिशनल 10 ग्राम्स, यानी टोटल 30, और स्टार्टिंग का जो 20 उसका तो 5 रुपीज़ ही है, तो ये 20 ग्राम्स का भी 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ प्लस, और 10 ग्राम्स है तो उसका भी 2 रुपीज़। आप सोचोगे, सर यहाँ पे तो बोला कि 20 ग्राम्स तक का तो 2 रुपीज़, ये तो 10 ग्राम्स है तो उसका 1 रुपीज़ नहीं होगा, नो नो माई बेटा, ओके, नो माई डियर, एवरी एडिशनल बोला है ना, तो वो मान लो ये 2 ग्राम्स होता है ना, ओनली 2 ग्राम्स, फॉर एग्जाम्पल ये 20 ग्राम्स तक का 5 रुपीज़ है, 20 ग्राम्स के ऊपर जाएगा ना, ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मानो कि 22 ग्राम्स का है, 22 ग्राम्स तो भी आपको 7 रुपीज़ देना पड़ेगा, तो 22 ग्राम्स यानी 20 ग्राम्स का तो 5 रुपीज़, ऊपर एडिशनल कितना हो, ओनली 2 ग्राम्स है, ओनली 2 ग्राम्स,
तो अभी उसका चार्ज कितना देना पड़ेगा आपको, 2 रुपीज़। तो इसका कितना आएगा, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़, 2 रुपीज़, दैट मीन्स टोटल 9 रुपीज़। गॉट इट? इसका आंसर मैं आपको नोट्स लिख के दूंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, आकाश वांट्स टू सेंड अ पार्सल ऑफ द मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड रानी इन चेन्नई। आकाश नाम का एक लड़का है ना बेटा, वो टेक्स्ट बुक भेजना चाहता है अपनी फ्रेंड रानी को जो चेन्नई में रहती है। द बुक वेज 200 ग्राम्स, सी द चार्ट टू फाइंड द पोस्ट सॉरी फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द बुक। चलो ये रहा बुक का पार्सल, पार्सल ये ना क्या लिखा है, ये रहा वॉन्स पार्सल। अब पार्सल का चार्ज कैसा बेटा, 50 ग्राम्स हो स्टार्टिंग का तो 5 रुपीज़, और 50 के ऊपर और जितने ग्राम्स हो ना 50-50 के हिसाब से तो 3-3 रुपीज़। तो ये तो 200 ग्राम्स है, तो 200 ग्राम यानी पहले 50 ग्राम्स, फिर 50 ग्राम्स, अगेन 50 ग्राम्स एंड 50 ग्राम्स, हो गया ना 200 ग्राम्स। चलो 50 ग्राम्स का कितना रुपीज़ है, फर्स्ट 50 ग्राम्स का 5 रुपीज़ है, 5 रुपीज़। अब ये सब एडिशनल हो गया, क्या हो गया एडिशनल, तो एडिशनल 50 ग्राम्स का 3 रुपीज़। तो इसका 3 रुपीज़ है, प्लस इसका भी 3 रुपीज़ एंड इसका भी 3 रुपीज़, तो कितना हो गया बेटा, 5 और 3, पहले इसको 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, तो 14 रुपीज़ होगा इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे ₹14। इसका भी मैं आपको देखूँगा, नोट्स लिख के दूंगा, ये वीडियो देख लो, इसकी मैं असाइनमेंट बोलेंगे उसको बेटा। मैं ऐसा देखो, मैं टाइटल क्या दूंगा, लेक्चर नोट्स, ओके, लेक्चर नोट्स ऐसे लिख के आपको PDF दूंगा मैं। आप लोग जो कैंपस डीन ऐप है ना उसके अंदर आप लोग देख लेना, ठीक है। ये जैसे जिस दिन सॉरी जिस दिन कहाँ बोल रहा हूँ मैं, हाँ जैसे अभी लेक्चर फिनिश होगा ना तो आपको आज या फिर कल तक तो आपको मिल ही जाएगी, राइट। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, रीड द वेट शोन इन द पिक्चर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट। ये पिक्चर देखो, उसके अंदर वेट दिया है, हीरा वेट, अब उसका कॉस्ट फाइंड आउट करो, पार्सल ये वो भी। तो देखो बेटा, इसका वेट बताया, जूम करना पड़ेगा ना, कितना वेट है ये, 200 और 200 के बीच में, 200 और 250 उसके बीच में, यानी 225 हुआ, कितना वेट हुआ, 225 इन ग्राम्स, ओके। तो पार्सल है, पार्सल का वेट कितना है, 225 ग्राम्स, तो बोलो इसका कितना कॉस्ट होगा, वो हमको पूछा है। तो हमको पता है पार्सल का 50 रुपीज़ चार्ज है, 50 रुपीज़ है ना, तो हम लोग एड 50-50 करते जाते, 225 हो तब तक, तो पहले 50 ग्राम्स, अगेन 50 ग्राम्स, अगेन 50 ग्राम्स, फिर 50 ग्राम्स, कितना हो गया, 225 ग्राम्स होने चाहिए ना, ये तो 200 हो गया, तो अब कितना बचा, 25 ग्राम्स बचा, कितना हो गया, 225 ग्राम्स हो गया ना। देखो 50 और 50, 100, 200 और 20, 225। चलो फर्स्ट 50 ग्राम्स है, इसका कितना होगा, 5 रुपीज़। एक बार मैं भी देख लेता हूँ, हाँ पार्सल का 50 ग्राम्स का 5 रुपीज़ है, फिर एडिशनल जितना उसका 3-3 रुपीज़ के हिसाब से, एडिशनल का कितना बेटा, 3 रुपीज़ चार्ज करता है पोस्ट ऑफिस, तो इसका होगा 3 रुपीज़, इसका भी 3 रुपीज़, अगेन नेक्स्ट 3 रुपीज़, और इसका भी नेक्स्ट 3। तो फर्स्ट 50 ग्राम्स का 5 रुपीज़, नेक्स्ट 50 जो है उसका 3, नेक्स्ट 53, नेक्स्ट 53, सर अब तो 25 है, तो इसका हाफ नहीं होगा, 1 रुपीज़ 50 पैसा, नहीं बेटा 1.5 रुपीज़ नहीं, उसका भी 3 रुपीज़ ही होगा, अभी अभी मैंने समझाया। तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, तो कितना रुपया चार्ज, कितने रुपीज़ चार्ज करेगा पोस्ट ऑफिस, 17 रुपीज़ ये पार्सल के लिए। तो पार्सल वेट हो गया 225 ग्राम्स, और कॉस्ट ऑफ स्टैम्प्स, कॉस्ट ऑफ स्टैम्प्स, एक मिनट मिनट, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट। अच्छा हाँ ओके ओके, यानी 17 रुपीज़ बेटा, ओके बेटा 17 रुपीज़, ये स्टैम्प्स भी बोली, यानी उसका चार्ज कितना देना पड़ेगा वो है। नाउ हाउ मैनी स्टैम्प्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैं आपको दूंगा बेटा नोट्स लिखे, असाइनमेंट सॉरी लेक्चर नोट्स ऐसे बना के दे दूंगा मैं। हाउ मेनी स्टैम्प्स, राहुल नीड्स
स्टैम्प्स ऑफ रुपीज 25। ओके, उसको स्टैम्प्स लगाना है 25 रुपीज का फॉर हिज पार्सल। वो पार्सल भेज रहा है तो पार्सल को 25 रुपीज स्टैम्प्स देना है। हाँ, ये रहा स्टैम्प्स, देखो दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टैम्प्स। यहाँ पे इंडिया लिखा है, ये गुजरात के लग रहे हैं। नाम क्या है इनका, जूम करके देखें हम लोग, महात्मा गांधी। अच्छा, उनकी यंग जनरेशन की फोटो है बेटा, यस। और ये स्वच्छ भारत, देखो लिखा है स्वच्छ भारत का स्टैम्प है। 500 पैसा, ये पैसा लिखा है, ये 200 मतलब 200 पैसा है, यानी ये 2 रुपीज़ है इसका प्राइस ये स्टैम्प का। आपको पता है ना स्टैम्प कहाँ लगाते हैं हम, कोई पार्सल या कोई लेटर्स या कुछ सेंड करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना, तो उसके बाद स्टैम्प्स लगाना पड़ता है बेटा। ओके, ये स्टैम्प्स है उसी का। और ये कहाँ पर मिलता है, पोस्ट ऑफिस में। ओके, अब ये लिखा है 1000 मतलब ये 10 रुपीज़ का है, ये 500 यानी 500 पैसा, तो ये 5 रुपीज़ का है। ये एक्चुअली मुझे एकदम क्लीन नहीं दिख रहा है ये क्या लिखा है, आप लोग देखना बुक के अंदर। ओके, ये शुभकामनाएं, यानी ये हाँ क्रिसमस का लग रहा है, देखो लिखा है शुभकामनाएं। और इंडिया, भारत इंडिया सब जगह लिखा हुआ है, भारत इंडिया, भारत इंडिया। ओके बेटा, सी तो अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा है। राहुल को 25 रुपीज़ के स्टैम्प्स लगाने पार्सल के ऊपर, यानी भेजना है। ही वॉन्ट्स टू द पोस्ट ऑफ इट, ही He went to the post office, वो post office गया था। Only stamps rupees 1, 2, 5 and 10। देखो ये 1 रुपीज़ वाला है, इसमें नहीं है ना, ये तो बेटा 10 रुपीज़ वाला है। तो post office में only कौन कौन से stamps है, 1 रुपीज़ वाला, 2 रुपीज़ वाला, 5 रुपीज़ वाला और 10 रुपीज़ वाले stamps were there at that time। उस टाइम इतने stamps available थे। Using those stamps in how many different way can he make rupees 25? इतने इतने स्टैम्प्स वो किस तरह से यूज़ करेगा, कितने वेज है मतलब कि उसको 25 रुपीज़ बनाने। तो ऑब्वियसली 1 1 रुपीज़ के 25 ले लो तो भी 25 रुपीज़ के स्टैम्प्स हो गए। हाँ यस यस, ये आपको दिमाग लगाना है। फिर मानो 2 2 रुपीज़ के लेंगे तो 2 2 रुपीज़ के आप 12 ले लो, 2 2 रुपीज़ के 12 स्टैम्प्स ले लो, 12 स्टैम्प्स और 2 रुपीज़ तो कितने हो गए, 24 रुपीज़ हो गए ना, राइट। और एक 1 रुपीज़ वाला ले लो, यस माय डियर, गॉट इट बेटा, 1 रुपीज़ का एक ले लो ना, 1 रुपीज़ का ये इस स्टैम्प है, ये 12 स्टैम्प्स लिया 2 2 रुपीज़ वाले, तो 24 रुपीज़ हमको 25 रुपीज़ करने हैं, 25 रुपीज़ करने हैं, राइट। 1 स्टैम्प लिया मैंने 1 रुपीज़ वाला, तो हो गया ना 1 रुपीज़, ये हो गया ना 25 रुपीज़। अब आप सोचो 5 रुपीज़ को कैसे यूज़ करना है, तो 5 5 रुपीज़ के 5 ले लो ना तो भी 25 हो जाएगा। 10 रुपीज़ वाला कैसे सोचोगे, तो 10 10 रुपीज़ वाले 2 स्टैम्प्स ले लो और 1 स्टैम्प 5 रुपीज़ वाला ले लो। लेकिन इसको लिखना कैसे, इसी तरह ये मैंने लिखा है ना, इसको लिखना है फर्स्ट वे, सेकेंड वे और थर्ड वे में मैंने भेजा ना, तो 5 स्टैम्प्स, 5 स्टैम्प्स कितने कितने रुपीज़ वाले, 5 रुपीज़ वाले। ये स्टैम्प्स लिखना मैं भूल गया हूँ पीछे, 12 स्टैम्प्स 1 स्टैम्प ऐसा मैंने नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेना। चलो 5 स्टैम्प्स 5 5 रुपीज़ वाले तो भी 25 रुपीज़ हो गए, राइट। तो इसका आंसर पता चल गया ना, राइट। और ये 10 तो इसके 4 to 5 वेज बन गए, क्या लिखा है यहाँ पे, ओके 5 डिफरेंट वेज, 1 2 3 तो मैंने बता दिया और 2 वेज और किस तरह से आप सोचते हो वो आपको लिखना है, ठीक है, कर लोगे ना। ओके, तो ये 5 वेज भी आप कर लेना, राइट। नाउ इसके नोट्स में बना के नहीं देने वाला हूँ बेटा, ठीक है, ये आपको खुद करना है, राइट। नाउ आवर वेट टुगेदर, हमारा जो वजन है दोनों का साथ में, मतलब दोनों का साथ में, हम किस किस का साथ में वेट दिया है देखें। अ फ्रॉग वॉज स्ट्रगलिंग टू एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ अ क्रो। अच्छा, ये जो क्रो के माउथ के अंदर घुस गया है ये फ्रॉग, कौवा है ना उसके अंदर घुस गया होगा, यानी ये कौवे ने फ्रॉग को खा लिया होगा, राइट। इसलिए लिखा है ना स्ट्रगलिंग, यानी बहुत मेहनत कर रहा था इसके पेट में से बाहर निकलने के लिए, किसके पेट में से, क्रो के पेट में से, लिखा है ना स्ट्रगलिंग टू एस्केप, एस्केप करना बेटा मतलब बाहर निकल जाना, राइट, एक जगह से दूसरी जगह निकल जाना, बाहर निकल जाना, फ्रॉम द माउथ ऑफ अ क्रो, उसके माउथ में से। अब आपको पता है ना कौवे भाई तो कैसे होते हैं, क्रो तो भैया बहुत ही एकदम ग्रीडी होते हैं, लालची भी, तो मतलब जैसे उनको कोई बोलता है ना उनकी तारीफ करेंगे तो फूल जाते हैं, ऐसे होते हैं, राइट। तो क्या लिखा है आगे, हाउ कैन आई एस्केप, कौन सोच रहा है ऐसा, फ्रॉग, फ्रॉग यानी आपको पता है मेंढक, या टर टर ऐसे करता है ना, द फ्रॉग थॉट, फ्रॉग सोच रहा था कि मैं कैसे निकलूं। सडनली
ट्री केम टू हिज माइंड, और तभी उसके माइंड में एक आइडिया आया। ही आस्क द क्रो, उसने क्रो से कहा, सॉरी पूछा, आर यू गुड एट एरिथमेटिक, क्या आप एरिथमेटिक यानी मैथ्स के अंदर आप एकदम अच्छे हो ना? इफ यस, यदि आप अच्छे हो, देन आई विल आस्क यू अ प्रॉब्लम, तो मैं आपको एक प्रॉब्लम है उस आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले फ्रॉग ने उसकी तारीफ की, बोले आप एरिथमेटिक में अच्छे हो। एरिथमेटिक बेटा मतलब इट्स अ टाइप ऑफ मैथमेटिक्स, ओके, उसको वैदिक गणित भी बोलते हैं बेटा, एरिथमेटिक, हाँ वही वही बोलते हैं आई थिंक, ओके। सो बोले कि आप मैथ्स में अच्छे हो ना, तो किसको बोला इसने, लेकिन अभी कहाँ था वो, इसके पेट में था, इसके स्टॉमिक में, यस, क्रो के अंदर था और अंदर ही बोल रहा था, बोले आप एरिथमेटिक में अच्छे हो ना, इफ यस, यदि अच्छे हो तो मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊँ, एक क्वेश्चन पूछूँ। क्या पूछ रहा है, योर वेट इज 650 ग्राम्स, आपका वेट 650 ग्राम्स है एंड आई एम ओनली 140 ग्राम, और मेरा जो वेट है वो ओनली 145 ग्राम्स है, हाउ मच डू वी वेट टूगेदर, तो हम दोनों का वेट कितना होगा, ओके हाउ मच। अब क्रो तो बोल रहा है, अरे यार मैं तो मैथ्स में अच्छा हूँ, मैं तो सब तारीफ करते हैं, तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। तो क्रो ने क्या सोचा, तो मैं 650 मेरा जो वेट है ना उसमें से फ्रॉक का वेट को मैं माइनस कर देता हूँ, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों का टूगेदर बोला है ना, यानी दोनों का प्लस करके मैं बता देता हूँ फ्रॉक को। जैसे ही ये फ्रॉग आंसर देने के लिए माउथ ऐसे खोलता है ना, पहले हम लोग टोटल तो कर ले, कितना होता है, 0 और 5 कितना होता है, 5 का 5, 5 और 4 9, 6 और 1 7, ओके दोनों का क्या, योर वेट 650, ऐसा फ्रॉग बोल रहा है कि आपका वेट इतना है और मेरा ओनली 145, कितना होगा। द क्रो वॉज गुड एट मैथमेटिक्स, वो मैथ्स में बहुत अच्छा था आपकी तरह, सो ही हैप्पीली ओपन्ड हिज बीक टू आंसर, और उसने आंसर देने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोली बोलने के लिए, क्या बोलने के लिए, कि भाई टोटल दोनों का टुगेदर 795 ग्राम्स। जैसे उसने बोलने के लिए कि भाई माय बोथ वेट 790, ऐसे जैसे मुंह खोला बोलने के लिए, तुरंत ही फ्रॉग उसके पेट में से यहाँ से आया, तुरंत ही जंप करके बाहर निकल गया। देखो है ना, मतलब इसने फ्रॉग को चबा लिया होगा, चबा लिया होगा। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, क्या हुआ होगा उसके बाद, सो वॉट वॉज द आंसर द क्रो वॉन्टेड टू गिव, कितना क्या आंसर दिया होगा बोलो, तो लिखना है हमको, वॉट वॉज द आंसर टू क्रो वॉन्टेड टू गिव, क्रो कौन सा आंसर देना, बोलो बोलो, येस उसने क्या आंसर 795 ग्राम्स वजन है, राइट, येस येस, क्रो कौन सा आंसर, तो जैसे क्रो ने बोला कि अवर बोथ द वेट या फिर द वेट ऑफ टूगेदर, यानी क्रो ने बोला होगा ना कि माई वेट एंड, बोलो बोलो क्या बोला होगा, क्रो गेव द आंसर एज वी वेट 795 ग्राम्स टूगेदर, क्या बोला होगा उसने, वी वेट यानी हमारा जो वेट है ना, वी वेट 795 ग्राम्स टूगेदर, ओके ऐसा बोला, जैसे इतना खाली इतना ही सेंटेंस बोला होगा वो, उतने में तो जैसा उसका माउथ खोला तुरंत ही झुक लेके बाहर निकल गया, राइट, ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट, पता चल गया ना ये मैंने क्या बोला यहाँ पे, उसने खाली इतना ही सेंटेंस बोला होगा ना, वी वेट 795 ग्राम्स टूगेदर, इतना सेंटेंस जैसे बोला, तुरंत ही फ्रॉग झबाक लेके डुप लेके सीधा लेके बाहर निकल गया, ओके गॉट द आंसर, ओके। एम आई फिट और फैट, मैं एकदम फिट हूँ कि मैं मोटा हूँ, यानी मैं हेल्थ में फिट हूँ कि फिर मैं मोटा हूँ, अरे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ कि आर यू फिट और फैट, आप अच्छे हो एकदम हेल्दी हो कि एकदम मोटे हो गए हो। द चार्ट शोज द हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 10 ईयर्स ओल्ड, यानी 6 ईयर्स से 10 ईयर्स के बीच में आपके भी फ्रेंड्स होंगे ना बेटा, तो उनका कुछ चार्ट दिया है, देखो ये अपना मेजरमेंट निकाल रहा है, ये अपनी वेट कर रही है, तो यहाँ पे तैमशुला, फिर श्रीकुंद, रबिया, विनीत, कविता, ये सबकी एज लिखी है, 6 ईयर्स 10 ईयर्स 6 ईयर्स 8, आपके भी फ्रेंड्स होंगे ना बेटा, आपकी सोसाइटी में रहते होंगे ना, उनकी हाइट, तो बेटा आपको हाइट मेजरमेंट करने के लिए आपको वॉल हो ना, आपके घर की वॉल,
आपको मम्मी को या पापा को बोलना, आपको उनको बड़ी सी स्केल लेके या इसके करके मेजरमेंट कर लेवे, ठीक है, वॉल के ऊपर, और उनकी हाइट लिखो, लिखी इसकी तमशुला की हाइट क्या है, 3 फीट 7 इंचीज, और उसका वेट कितना है, 16 kg। अब सोचोगे सर हम लोग ये वेट कहाँ से लाएंगे, तो बेटा ये मशीन तो मैं आप कैसे बोलूँ, लेकिन आपको मानो कि किसी को पता हो तो जान के लिख लेना, ठीक है, पूछ के। तो आपको ऐसा चार्ट बनाना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स के नाम लिखो, उनकी एज लिखो, उनकी हाइट और उनका वेट। देखो ये एलिफेंट भैया क्या बोल रहे हैं, कैन यू मेक माई हेल्थ चार्ट, क्या आप मेरा हेल्थ चार्ट बना सकते हो, बनाना आपको आता हो तो बनाओगे, इसका वेट क्या है, इसका कलर क्या है, वॉट ईट्स, ये क्या खाता है, वॉट वेयर द लीव, कहाँ पे रहता है, ठीक है, ये क्या बोल रही है, माई हेल्थ चार्ट टू, मेरा भी हेल्थ चार्ट बनाओ, ओ ये एंड दी दी है, ठीक है भाई बना देना, और क्या आपको आता हो तो। नाउ हाउ मैनी ऑरेंजेस, चलो ये बहुत मस्त टॉपिक है, बड़ा पजल है, पजल ये मैं समझाने वाला हूँ, इसका आंसर आपको खुद लिखना है। हाँ मैं इसकी नोट्स बना के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे याद रहे कि इसकी नोट्स बनानी है। हाउ मैनी ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट, सभी ऑरेंजेस के इक्वल वेट से, द टू पपयास हैव द सेम वेट, टू पपयास का सेम वेट है, द वेट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बैलेंस आर इक्वल, ओके तो हमको पता है कि फर्स्ट और सेकेंड का इक्वल करना है, हाउ मैनी ऑरेंजेस बैलेंस द वेट इन द थर्ड, ये थर्ड के अंदर हाउ मैनी ऑरेंज, कितने ऑरेंजेस आएंगे, इन शॉर्ट टू पपयास हैव द सेम वेट, यानी टू पपया ले लो ना आप, टू पपया तो वो टू पपया सेम है, एक मिनट, ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल, ओके सभी ऑरेंजेस के इक्वल वेट है, द टू पपयाज हैव द सेम वेट, ओके टू पपया का सेम वेट है, देखो यहाँ पे भी टू पपया का सेम वेट इनके बराबर है, और द वेट्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बैलेंस्ड आर इक्वल, ओके फर्स्ट वेट और सेकेंड बैलेंस जो है उसमें इक्वल है, हाउ मैनी ऑरेंजेस बैलेंस द वेट इन द थर्ड, अच्छा इसमें कुल कितने ऑरेंजेस आएंगे, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना बेटा, ओके अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट जो बैलेंस है ना, फर्स्ट बैलेंस उसमें वन मैंगो एंड वन ऑरेंज दिया है, बराबर उसके बराबर कितना दिया है, 3 ऑरेंजेस दिया है, वन मैंगो एंड वन ऑरेंजेस इक्वल टू 3 ऑरेंजेस, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वन मैंगो प्लस वन ऑरेंजेस, ये वो पता चलेगा ना आपको, अच्छा मैं वन ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, वन मैंगो वन ऑरेंजेस इज इक्वल टू हमको क्या दिया है, 3 OR लिखता हूँ, आपको पता चले 3 ऑरेंजेस, टेंशन मत लो मैं इसको अच्छे से आपको नोट्स बना के दूंगा, ओके तो इसका मीनिंग क्या होता है, ओके बेटा तो देखो इसका मीनिंग क्या होता है कि हाँ ये वन मैंगो एंड वन ऑरेंजेस, वन मैंगो वन ऑरेंजेस इसके बराबर क्या दिया हमको, 3 ऑरेंजेस, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 ऑरेंजेस, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वन मैंगो इज इक्वल टू ये जो 3 ऑरेंजेस है ना, 3 ऑरेंजेस उसमें से ये 1 ऑरेंज है बेटा, ये 1 ऑरेंज, ये माइनस हो जाएगा, 3 ऑरेंज में से 1 ऑरेंज चला गया, तो कितना ऑरेंज आया, 2 ऑरेंजेस, मतलब वन मैंगो इज इक्वल टू क्या होता है, 2। अब सोचोगे सर ये यहाँ पे कैसे आया, सोचोगे ना ये कि सर ये कैसे हुआ कि वन मैंगो ये वन ये, अब तो बेटा इसका ये मैथ का एक रूल है, ये आप जब 5th या 6th में जाओगे ना तो इसके रूल मैं सिखाऊंगा आपको, कि जब इक्वल टू के इस साइड कोई वैल्यू या कोई नंबर प्लस में हो ना, तो इस इधर साइड ले जाए ना इसके, हाँ अपोजिट डिरेक्शन में, तो माइनस हो जाता है, मानो कोई माइनस हो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ओके तो यहाँ पे हमने लिखा है 3, तो वन मैंगो इज इक्वल ये 3 ऑरेंजेस एज इट इज रखा हमने, और ये वन मैंगो यहाँ पे आ गया, तो कितना आया, 2 ऑरेंजेस, यानी कि वन मैंगो इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो बोलो, वन मैंगो यानी 2 ऑरेंजेस, ओके हैंस वन मैंगो इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस होता है। अब इसका देखो ये पपैया के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं कि टू पपैया ही दिया है ना, हाँ टू पपैया इज इक्वल टू क्या दिया है, इसके बराबर क्या दिया है, इसके बराबर दिया है हमको 2 ऑरेंजेस एंड प्लस वन मैंगो, देखो ये टू पपैया के बराबर, पी मतलब पपैया, मैं आपको अच्छे से नोट्स बना के दूंगा बेटा डोंट वरी, टू पपैया की इज इक्वल टू हमको क्या बराबर क्या दिया है, दोनों पेन एक सरखा है ना, तो टू इसके बराबर
दो अरेंज और वन मैंगो है, दो ऑरेंज और वन मैंगो है, तो इसका भी मीनिंग क्या हुआ पता चल रहा है यहाँ पे। टू पपाया को एज इट इज रखो, टू पपाया, और टू ऑरेंजेस को भी एज इट इज रखो, प्लस का प्लस। अब वन मैंगो आया, वन मैंगो यानी कितना होता है, टू ऑरेंजेस, तो ये वन मैंगो ना उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, टू ऑरेंजेस लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, टू ऑरेंजेस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि टू पपाया इज इक्वल टू टू और टू फोर ऑरेंजेस होता है, टू पपाया इज इक्वल टू क्या होता है, फोर ऑरेंजेस। ओके पता चल गया। तो वन पपाया मीन्स कितना होता है, टू पपाया यानी फोर ऑरेंजेस, तो वन पपाया मीन्स टू ऑरेंजेस, हाफ हो गया ना, टू का हाफ वन तो फोर का हाफ टू। अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे हमको क्या दिया है, टू पपाया के बराबर एक पैन में टू पपाया है, दूसरे पैन में टू ऑरेंजेस और वन मैंगो, यानी बैलेंस जो रहा है, इक्वल है। तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करते हैं कि हमको वन पपाया नहीं, हम लोग वो ढूंढ रहे हैं यहाँ पे सी। तो टू पपाया मतलब टू ऑरेंजेस ऐसे लिख, और वन मैंगो, सर आपने वन मैंगो की जगह टू ऑरेंज क्यों लिखा, अभी हमने फाइंड आउट किया ना कि वन मैंगो के बराबर कितना होता है, टू ऑरेंजेस होता है, तो मैंने वन मैंगो की जगह क्या लिख दिया, टू ऑरेंजेस लिख दिया, टू ऑरेंज और टू ऑरेंज, तो टू फोर ऑरेंजेस हो गए, फोर ऑरेंजेस यानी टू पपाया बराबर फोर ऑरेंजेस होते हैं। ये वन मैंगो की जगह मैं टू ऑरेंजेस रख देता हूँ। यहाँ पर भी देखो ऐसे देख के भी पता चल रहा है क्या कि ये वन मैंगो को मैं हटा लेता हूँ, ये इसको प्रैक्टिकली करें तो बहुत मजा आएगी, आप प्रैक्टिकली कर सकते हो घर पे तो करना। मैं ये वन मैंगो की जगह टू ऑरेंज रख देता हूँ, एक ऑरेंज दो ऑरेंज, तो थ्री ऑरेंजेस हो गए, तो यहाँ पे भी थ्री ऑरेंजेस हो गए, और ऐसे ना समझ में आए ना, तो देखो मैं बताऊँ, ये वन मैंगो हटा लो आप, ये वन मैंगो को हटा लो, तो ये कितना ऑरेंज है, वन ऑरेंज है, तो यहाँ पे और कितना ऑरेंज रख दो तो इतना इक्वल हो जाए, टू ऑरेंज। ये मैंने मैथ्स के फॉर्म में समझाया और ये मैंने प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, देखो अभी मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। अगेन आई एम टेलिंग यू, मुझे यहाँ पे थ्री ऑरेंजेस, यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मैनी ऑरेंजेस, हमको क्वेश्चन तो यही पूछा है हाउ मैनी ऑरेंजेस। ओके तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंगो को हटा लेता हूँ, ये मैंगो को मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना ऑरेंज बचा, ओनली वन ऑरेंज बचा ना, यहाँ पे थ्री ऑरेंज है, तो यहाँ पे और टू ऑरेंज रखना पड़ेगा ना, तो देखो टू ऑरेंजेस रख दिए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये मैंगो के बराबर कितने ऑरेंजेस होंगे, ये मैंगो को मैं हटा लूँ ना तो मुझे कितने ऑरेंजेस रखने पड़ेंगे, टू ऑरेंजेस रखने पड़ेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैंगो का वेट और टू ऑरेंजेस का वेट इक्वल है, वन मैंगो का वेट और टू ऑरेंजेस का वेट कैसा, इक्वल। ओके सेम थिंग यहाँ पर, अभी ये जो मैंगो है ना, ये मैंगो को मैं हटा लेता हूँ, तो मैंगो को हटा तुम्हें कितना ऑरेंजेस रखना पड़ेगा, अभी हमें हमने फाइंड आउट किया ना, टू ऑरेंजेस, ये मैंगो को मैं निकाल लेता हूँ, तो टू ऑरेंजेस रखा, मतलब कि यदि टू पपाया हो ना तो टू पपाया रखेंगे तो यहाँ पे फोर ऑरेंजेस होने चाहिए, कितने ऑरेंजेस होने चाहिए, फोर, तो वन टू पपाया हो तो फोर ऑरेंजेस रखो, तो इक्वल हो जाता है, ये जो बैलेंस है ना वो इक्वल हो जाता है। तो इससे हम लोग इतना तो सोच सकते हैं कि टू ऑरेंजेस का वेट और वन पपाया का वेट इक्वल होगा, यहाँ पे कितने ऑरेंजेस है बेटा, फोर ऑरेंजेस हो गए, वन टू थ्री फोर, फोर ऑरेंजेस और टू पपैया। ओके तो टू ऑरेंजेस मतलब वन पपैया हो गया ना, टू ऑरेंज में तो वन पपैया, तो बताओ वन पपैया यानी कितना ऑरेंजेस हुआ, टू ऑरेंजेस, और वन मैंगो यानी कितना हुआ, बोलो बोलो जल्दी से, वन मैंगो यानी भी टू ऑरेंजेस, ऐसा ही हुआ ना, बोलो जल्दी से। यस ये हटा लूँ तो भी दो अरेंजेस रखने पड़ेंगे, और यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन पर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लिख के मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको थोड़ा मैथ्स का रूल पता चले, ये नहीं लिखेंगे तो भी इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके सो इसके बराबर भी टू ऑरेंजेस, इसके बराबर भी, तो यहाँ पे हाउ मैनी ऑरेंजेस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फोर ऑरेंजेस इज इक्वल टू फोर ऑरेंजेस। ओके नाउ अगेन कुछ क्वेश्चन है मार्बल्स के बारे में, देर आर थ्री मार्बल्स ऑफ द सेम साइज बट वन मार्बल इज स्लाइटली हैवियर और लाइटर देन द अदर टू, कैन यू फाइंड विच इज दैट मार्बल एंड इफ, अच्छा क्या यहाँ पे टोटल तीन मार्बल है, थ्री मार्बल्स है, ओके थ्री मार्बल्स की साइज जो है ना एकदम अलग है, कि वो हमको यहाँ पे पूछा है, बट यहाँ पे एक, अरे यार बुक क्यों ऐसी वो टेढ़ी हो गई, हाँ बट वन मार्बल इज स्लाइटली हैवियर, यानी एक मार्बल है ना थोड़ी सी हल्की है, या फिर हाँ वेट में स्लाइटली है, सॉरी सॉरी थोड़ी सी भारी है, और लाइटर देन द अदर टू,
अच्छा एक मार्बल ऐसी है, क्या बोला है, हाँ या तो भारी है अथवा तो फिर, या तो फिर उससे थोड़ी हल्की है दूसरे दो मार्बल से की कंपेयर में, राइट। कैन यू फाइंड विच इज दैट मार्बल, आप फाइंड कर सकते हो वो मार्बल कौन सा है, यानी वो, हाँ। एंड इफ इट इज हैवी और लाइटर, यदि वो भारी या हल्की हो तो यू कैन यूज बैलेंस ओनली टू टाइम्स। ओके, आपको उसका बैलेंस करना है, इक्वल करना है, ओनली टू टाइम्स करके देखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, आप इसको फाइंड आउट करो, नहीं आ रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में तो बताने वाला हूँ, ठीक है, इसका आंसर कैसे आएगा बेटा, ये अभी होमवर्क में आपको करना है। तो इसकी मैं नोट्स बना के दूंगा, मैं इसी तरह नोट्स बनाने वाला हूँ, ओके। इससे अच्छा आप प्रैक्टिकली समझो ना तो भी अच्छा, ये पजल है एक्चुअली, ये क्या है, ये पजल है, ओके। और ये आप खुद ट्राई करो विद द हेल्प ऑफ योर यस रिलेटिव्स, रिलेटिव्स भी बोल दिया मैंने, और मम्मी पापा पेरेंट्स भी बोल देता हूँ, ठीक है। और भी आप लोग उससे पूछो और ये करो, ठीक है, फिर बाकी तो मैं समझाने वाला हूँ। चलो बेटा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।